थैंक यू माँ, उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। जी हाँ, मुद्दा कुछ गर्माया क्योंकि मामला अब भोजपुरिया दबंग से है। बात हम यहाँ रवि किशन की कर रहे हैं। रवि किशन को जया बच्चन ने कहा है जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे। इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड कम मर्डर को लेकर काफ़ी चर्चाएँ गर्म हैं। अब जो बोतल से जिन निकला है वो ड्रग का निकला है। ऐसे में रवि किशन ने लोकसभा में इस जो प्रश्न को उठाया और ये कहा कि देश के युवाओं के बीच ड्रग्स का बढ़ता हुआ जो जाल है उसे ख़त्म करना होगा और हमारी इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रह गई है। हमारे इंडस्ट्री में भी इस तरह के लोग हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं। ये बात सुनते ही समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन ने रवि किशन का नाम लिए बगैर ये कहा जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अब उनके जवाब को यानी उन्हें पलटवार, जया बच्चन को पलटवार करते हुए रवि किशन ने कहा है ना थाली में खाया और ना ही छेद किया। बात रवि किशन कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को दोबारा से, जो उन्होंने और मनोज तिवारी ने रिक्रिएट किया, पुनः जीवित किया, उसकी बात यहाँ रवि किशन कर रहे हैं। कहते हैं रवि किशन कि मेरे पास काम नहीं था और भोजपुरी ने मुझे काम दिया और मैंने तकरीबन 600 फिल्में की हैं बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ। ये सच्चाई मैं भी जानता हूँ कि ड्रग्स कितना सर्वाइव करता है। मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री को पुनर्जीवित किया है, मैंने उसे बनाया है और मैं उसी थाली में खाना खा रहा हूँ, उसे में मैंने छेद नहीं किया है। यहाँ रवि किशन ये भी कहते हैं कि जया बच्चन उनसे सीनियर है, ओपोजिशन पार्टी से हैं तो क्या हुआ, कभी एक फील्ड में उन दोनों ने काम किया है, वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और ड्रग का जो मामला है इसे उठाना ही चाहिए क्योंकि इससे हमारे देश के युवा भटक रहे हैं। लेकिन जया बच्चन को ये बात बड़ी ही नागवार गुजरी। उन्होंने रवि किशन को आड़े हाथों लिया, बदले में रवि किशन ने भी पलटवार में उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन क्या आप इस बारे में सोचते हैं, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, रवि किशन को या फिर जया बच्चन को।